गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हमने सामग्री नियंत्रण के स्तरों के बारे में कि स्टोव का स्तर क्या क्या होना चाहिए भंडार शाखा में वो पढ़ा था। अब हम स्टोव स्लेजर किस प्रकार से बनाएंगे जिससे कि जो भी कच्चा माल है उसका लेखा जोखा रखा जा सके। स्टोव स्लेजर बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है फिफो मेथड। फिफो मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वह पहले इशू किया जाएगा उत्पादन विभाग को। दूसरा मेथड होता है लिपो, LIFO। लिपो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में माल प्राप्त हुआ है वो सबसे पहले उत्पादन के लिए निर्मित किया जाएगा। तीसरा मेथड होता है औसत मूल्य विधि। औसत मूल्य विधि में यह होता है कि जो भी माल प्राप्त हुआ है उसकी जो भी रेट रही है, परचेजिंग रेट रही है, उसका एवरेज दिया जाएगा, उस आधार पर उत्पादन विभाग को माल को इशू किया जाएगा। तीसरा होता है वेटेज एवरेज मेथड। चौथा होता है वेटेज एवरेज मेथड, भारित औसत विधि। इसमें माल के मूल्य के साथ साथ यूनिट्स उनके भार का भी ध्यान रखा जाता है कि माल का मूल्य और क्वांटिटी कितनी थी। और पांचवा मेथड होता है वो होता है हिपो मेथड, हाई प्राइस एंड फर्स्ट इशू। तो हम सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन शो करेंगे फिफो मेथड के आधार पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पे एक स्टोर स्लेजर बनाएंगे। स्टोर स्लेजर का जो नमूना होता है वो इस प्रकार से होता है। इसमें जो भी माल है उसका मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड रीऑर्डर लेवल लिखा होता है और यूनिट्स का फॉर्मेट लिखा होता है कि अपन धन में ले रहे हैं या किलो में ले रहे हैं, जो भी यूनिट्स अपन ने मानी है। तो सबसे जो पहला कॉलम खुला होता है वो होता है बे, दूसरा कॉलम होता है वो होता है रिसीव, मतलब परचेजिंग विभाग से माल प्राप्त करने वाला, और तीसरा कॉलम होता है वो होता है इश्यू, और चौथा कॉलम होता है वो होता है बैलेंस, और पांचवा कॉलम का जो हम अर्थ इशू का बना सकते हैं वो अपने स्वेच्छा के लिए होता है। अब जो कॉलम बने हुए हैं उनको अपन अलग अलग टुकड़े लेते हैं। इशू वाले में रजिस्ट्रेशन नंबर या जीआर नंबर होता है, फिर क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी प्राप्त हुई है और फिर किस रेट से प्राप्त हुई है, और फिर अमाउंट कि वह कितने मूल्य का था। इसी प्रकार से इशू में इसमें जीआर नंबर होता है और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि उत्पादन विभाग से किस नंबर से प्राप्त हुआ है, फिर कितनी लिमिट तक इशू की गई है, उनकी रेट क्या है इशू करने की, और फिर अमाउंट। और बैलेंस वाले कॉलम में क्वांटिटी एंड अमाउंट। इधर दोस्तों, तो अपने पास एक क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है कि जो भंडार शाखा के द्वारा माल है उसका निर्गमन स्टोर शाखा द्वारा इस प्रकार से किया गया। दिनांक 3/1/2013 को 2000 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से प्राप्त हुई। दिनांक 3/1/2013 ये नहीं दे रखा, और अपन को कितनी प्राप्त हुई है 2000 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से, अमाउंट हो गई 2000, इशू में
फिर इसके बाद में दूसरी 4/1/2013 को 500 यूनिट इशू करी गई। उसके अपन को रेटिंग दे रही थी, परंतु मेथड कौन सा है अपना? फाइव आउट मेथड। 4/1/2013 को 500 यूनिट इशू की गई है। उत्पादन विभाग को अपने पास एक ही प्रकार का माल है और प्रॉफिट इशू 500 रुपए का हो गया। इसके बाद में बैलेंस बच गया 1500 फिर 5/1/2013 को माल प्राप्त हुआ, वो था 3,001.40 के हिसाब से। कितनी की हो गई? 3,412 रुपए की। अब अपने पास जो बैलेंस है वो कितना होगा? अपने पास बैलेंस होगा 1500 रुपए की 3,000 के प्राप्त होगी 4,500 और अमाउंट 1500 अब पटन शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1500 करेंगे और उसके बाद 1,040 के हिसाब से करेंगे। फिर आने की डेट में 7 को 2000 इशू की गई। 7/1/2013 को कितनी यूनिट इशू की गई? 2000 में इशू की गई। रेट क्या रहेंगे? पहले इशू की गई है, पहले प्राप्त की गई है 1500 यूनिट। 2000 में तो 1500 यूनिट को इशू क्वाली कर देंगे 500 यूनिट 1.40 के हिसाब से कर देंगे। तो ये कितनी हो गई? टोटल 500 रुपये। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पहले भी थी जो 1500 थी वह भी बची थी। तो 1500 के साथ पे हो और 500 के साथ पे इशू कर दी। आप 4500 में से 2000 कम हो गई, 5700 में से 2000 कम हो गई, तो 3700 और पटन इशू के लिए आप इशू करेंगे जो यूनिट बची हुई है। अपने पास 2500 यूनिट। तो 2500 यूनिट इशू करेंगे आगे, वो करेंगे 1.40 के साथ। अब आगे देखिए 10 को 2000 को प्राप्त हुई। 10/1/2013 को 2000 1.5 रुपए के हिसाब से प्राप्त हुई, मतलब 3,000 रुपए की। बैलेंस अपने पास कितना हो गया? 2,000 था और अमाउंट हो गई 3,600-6,500। आप इशू करेंगे वो 2500 में 1.40 की और 2000 में 1.5 रुपए। अब आगे अपन जो इशू करेंगे वो करेंगे दिनांक 15/1/2013 को। 15/1/2013 को कितनी इशू कर रहे हैं अपन? 15/1/2013 को अपन 3,000 यूनिट इशू करेंगे। 3,000 यूनिट इशू करनी है 15/1/2013 को।
कितने पैसे होते हैं अपने 4250 रुपए, तो 4500 में से 3000 गेम को अपने पास शेष रहेंगे 1500 यूनिट, और बैलेंस में 6500 में से 4250 गए तो अपने पास रह गए कितने पैसे 4250, 6500 माइनस 4250 तो अपने पास रह गए 2250 रुपए। रेट के लिए 1500 का 8 रुपए के हिसाब से प्रतिशत करेंगे, कभी भी अगर कैलकुलेट करनी है उससे में तो 1500 रुपए करेंगे तो ये अपना अमाउंट प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद दिनांक 20/1/2013 को 3000 की राशि 20/1/2013 को 3000 में प्राप्त करनी। रेट है इसमें अपनी 1.80 रुपए, तो इस हिसाब से 3000 1.80 रुपए तो अमाउंट हो गई 5400 रुपए। अब अपने पास बैलेंस है 1500 + 3000 = 2500 यूनिट, और 2250 + 5450 तो अपना फिगर हो गया 7650। अब प्रथम इशू करेंगे तो सबसे पहले 1500 यूनिट 1 रुपए वाली, और फिर 3000 यूनिट 1.80 रुपए के हिसाब से इशू कर दी जाएगी। अब लास्ट में दिनांक 25/1/2013 को 2500 यूनिट इशू करनी है, तो दिनांक 25/1/2013 को 1500 यूनिट को अपने पास रखिए, वो 1.50 रुपए वाली बची है, और शेष 1000 यूनिट 1.80 रुपए के हिसाब से इशू कर देंगे, तो इस अमाउंट का टोटल रहेगा अपना 4050 रुपए। 4050 रुपए 4500 में से 2000 गए तो 2000 नहीं बच जाएगी, और 650 रुपए 4000 काट गए तो 3550 रुपए। रेट बढ़ इशू करेंगे तो 2000 में 1.80 रुपए इस हिसाब से अपन इशू कर देंगे। इस प्रकार से फीफो मेथड के द्वारा अपन स्टोर लेजर अकाउंट बना सकते हैं। धन्यवाद। अगले इसमें अपन लिफो मेथड के आधार पे स्टोर लेजर का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा उसका पढ़ेंगे। थैंक यू।